नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। सो यहां पर आपको डाइपोल मोमेंट दी गई है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज पी इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। इज अलाइंड एट 30 डिग्री, मीन्स आपको जो एंगल दिया गया है वो एंगल दिया गया है 30 डिग्री। विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है ई इज इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मीन्स हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल को रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री। सो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज क्यू जितना फोर्स लगेगा। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? सो यहां पर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कंसिडर करने हैं। सो यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो, बिकॉज यहां पर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। बट टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कि जिसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टर्निंग इफेक्ट दैट मींस टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ऑलरेडी आपने थियरी में प्रूफ किया है। सो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या दी गई है, दैट इज 4 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁴ एंड थीटा की वैल्यू दी गई है 30। सो साइन 30। सो 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴, साइन 30 कितना होगा, 1/2। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 × 4 = 20, 20/2 दैट इज 10, 10 × 10⁴ दैट इज 10⁵, 10⁵ × 10⁻⁹ दैट इज 10⁻⁴। और टॉर्क का यूनिट क्या होगा, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर। सो टॉर्क हमें कितना मिला, दैट इज 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर।